नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पास्ता। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, फिर उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दो हरी कटी मिर्च डालेंगे, आँच को थोड़ा सा कम ही रखें। थोड़ा देर भूनने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे, एक बड़ा काट प्याज डालेंगे। प्याज ज़्यादा होने से स्वाद अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें शिमला मिर्च लंबी साइज में कटा हुआ और गाजर लंबे लंबे साइज में कटा हुआ गाजर डाल के इसको थोड़ी देर भून लेंगे। एक दो मिनट के लिए ढक के इसको अच्छे से हल्का क्रंची होने तक, क्रंची रखेंगे, पकाएंगे ज़्यादा नहीं। फिर उसमें सेजवान सॉस, 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल देंगे, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छी तरह से इसको मिला देंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। बस 2-4 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे, फिर पास्ता डाल देंगे। पास्ता डाल के फिर अच्छे से इसको 2-4 मिनट के लिए भून देंगे, जिससे खूब अच्छा से मिल जाए। अभी दोस्त मैंने नमक नहीं डाला है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद नमक डालेंगे। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, एक बार ज़रूर बनाना, और अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब नमक डाल देंगे, नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने सूजी का पास्ता बनाया है, जो कि हेल्दी भी होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। बस इसको प्लेट में निकाल देंगे, पास्ता तैयार हो गया। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों एक बार ज़रूर बनाना, इस तरीके से बनाना, बहुत मज़ा आएगा खाने में।